नमस्कार, मौसम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच लगातार कल से बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार के लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से मिली। हम आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा दें, राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि हालांकि कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है। और राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। जहाँ एक तरफ बिहार में अप्रैल मई के महीने में ही काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे गर्मी से, स्कूलों में भी गर्मी छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं इस बीच अब बारिश के आने से थोड़ी राहत ज़रूर मिली। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि 12 जून तक मानसून जो है वो प्रवेश कर जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम सुहाना होता हुआ नज़र आ रहा है, गर्मी से राहत मिल रही है, साथ ही लोगों को थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी लोग काफ़ी परेशान थे। इसी बीच मौसम का मिजाज लगातार पिछले कुछ दिनों से बदलता हुआ नज़र आ रहा था। लगातार कभी धूप हो रही थी, कभी बादल छाए हुए थे, लेकिन फाइनली आप कह सकते हैं कि मानसून की एंट्री अब बिहार में होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल से बारिश हो रही है लोग इससे काफ़ी खुश हैं और मौसम काफ़ी यहाँ पर सुहाना बना हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी अप्रैल और मई महीने की अगर बात करें, तो मई महीने में ही काफ़ी प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ रही थी लोगों को। बिहार के कई हिस्से थे जहाँ पर पारा लगातार बढ़ता जा रहा था। राजधानी पटना की अगर हम बात करें, तो राजधानी पटना की में भी काफ़ी भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी। स्कूलों की तरफ से भी जिला प्रशासन ने भी और साथ ही सरकार ने भी स्कूलों को पहले तो टाइमिंग में चेंजिंग करने का आदेश दे दिया, उसके बाद समर वेकेशन यानी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी कर दी गई थी बच्चों को देखते हुए। लेकिन इसी बीच अब मौसम का मिजाज बदल रहा है, मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से ज़रूर मिली है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा गया है कि मानसून पहले ही आ जाएगा, लेकिन 12 जून तक मानसून की एंट्री बिहार में हो सकती है। साथ ही कई ज़िले ऐसे हैं बिहार के जहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के साथ गर्जन का भी अलर्ट जारी किया, यानी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है कि जिस तरीके से मानसून की एंट्री बिहार में हो रही है, तो 12 जून तक मानसून एंट्री लगभग कर सकता है, लेकिन उससे पहले लोगों को सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है। हालांकि अभी का जो मौसम आप देख सकते हैं कि अभी का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना नज़र आ रहा है और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।